अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि आज 6वां रमज़ान की सहरी है और जुम्मा भी है, तो आपको मैं कल की सहरी के बारे में, इफ्तारी के बारे में बताती हूँ। सहरी का तो मैंने ब्लॉग बना लिया था, लेकिन मैंने एडिट नहीं किया, मैंने लगाया नहीं, मैंने कहा इफ्तारी के साथ लगाऊंगी। और ये हुआ, जैसे मैंने इफ्तारी की है, मेरा नमाज़ पढ़ी तो मैं सो गई। मैं उसकी नमाज चाहती हूँ, मेरी इतनी हालत ख़राब थी, फिर भी मैंने जुमे रात का रोज़ा नहीं छोड़ा। तो मैंने खिचड़ी और इफ्तारी में मैंने 2 खजूरें थोड़ी सी खिचड़ी खाई थी, तो मेरी इतनी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब थी, इसलिए मैंने कल इफ्तारी का ब्लॉग बनाया आपके साथ नहीं किया। इंशाल्लाह दुआ करें मेरी तबीयत बेहतर हो जाए तो मैं अच्छे से इसको बनाऊँ। काफ़ी मेरी तबीयत बेहतर हुई है खिचड़ी खाने से। पता है आपको, जब पेट डिस्टर्ब हो ना, तो कोई भी ये तली हुई चीज़ ना सूट नहीं करती, तो मेरे पेट में बिल्कुल ही नहीं की। आज भी सारा दिन मेरा ऐसे ही गुजरा लेट 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 के, तो इसलिए मैंने आज इफ्तारी की वीडियो अपलोड नहीं की। तो मैं माजर चाहती हूँ चीज़ की। तो इंशाल्लाह आप सब मेरे लिए दुआ करें कि मेरी तबीयत बेहतर हो, मैं आपके लिए अच्छे से अच्छे ब्लॉग लेके आऊँ। तो जुम्मे की मैं इफ्तारी लाजमी आपके साथ शेयर भी करूँगी, आपको दिखाएँगे भी कि हम लोग कैसे बनाते हैं। मामू ने भी कॉल की हुई है कि आज हमारी तरफ मतलब इफ्तारी खोलना जुम्मे की है, पहला जुम्मा मेरे मामू भड़े ने, तो शायद हम लोग उधर जाते हैं या घर पर खोलते हैं, ये अब कल पता चलेगा। क्योंकि घर पर खोलनी चाहिए ये भी लग रहा है, अगर कल मामू ने ज़्यादा हमें अफोर्ड किया कि आप लोग आएँ तो फिर हमें जाना भी पड़ेगा। तो चलते हैं हम लोग दूसरे कमरे, मतलब इसी कमरे में, दस्तान आज हमने इसी कमरे में लगाया हुआ था, तो मैंने कहा चले इसी कमरे में, तो जाके आपको दिखाती हूँ आज हम लोगों ने क्या दस्तान में बनाया और क्या लगाया, आपको लेके चलते हैं दस्तान। मैंने आपको बताया है कि हम लोग साड़ी रखने लगे हैं, तो हम लोग साड़ी रख रहे हैं, तो आपको भी दिखाते हैं। मैंने आपको भी बताया कि मैं साड़ी के दस्तान पर जाती हूँ, तो अब आपको दिखाती हूँ कि क्या बनाया आज। मैंने सूखी रोटी खा ली थी, मैंने अपने लिए सूखी बनाई है, ये परांठे हैं, ये आप देख सकते हैं, ये मसर है, हमने रात को बनाए थे, ये भी साथ है, और साथ में ये दही है, तो ये देख सकते हैं चीनी। आज हम लोगों ने लस्सी नहीं बनाई, तो हमारा दिल चाह रहा है कि चाय कड़क वाली पीनी को, तो इसलिए हम लोग ने कड़क वाली चाय पियेंगे और रोज़ा रख के फिर आपसे मिलेंगे। तो जैसे कि हम लोगों ने सहरी भी कर ली है, तो मैंने कहा सहरी के बैठे हम लोग स्नान पी चाय पी लेते, टाइम कम है, 8 मिनट है, तो मैंने कहा यहाँ पे हम लोग इससे यहीं पे दस्तरखान के पास ही हम लोग चाय पी लेते, काम उठेंगे, टाइम बहुत कम है, 8 मिनट रह गए, चाय पी के फिर आपसे। तो जैसे कि हमने चाय वगैरह पी ली है, सब कुछ खा पी लिया, पेट हमारा फुल हो गया, मैंने थोड़ी सी टहल पहल की है, फिर नमाज़ पढ़ी, तो इसलिए बहुत ज़्यादा मैंने कहा आवाज़ आ रही हो जाती है जब इतना परांठे ये चीज़ें आपको सहरी में खा लो, फिर आपको पूरा दिन आवाज़ आ जाता है। मैंने इसीलिए चावल और परांठा नहीं, मैं 2 दिन से नहीं खा रही क्योंकि मेरा वैसे ही पेट ख़राब है, मैंने आपको बताया, मैंने खिचड़ी खाई थी बल्कि इफ्तारी में। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, जुम्मे का ब्लॉग है, जुम्मा भी आप सबको मुबारक हो, एडवांस मुबारक हो। तो मिलते हैं आपको इफ्तारी में और जुम्मे के दिन।